नमस्कार, स्वागत है आपका एवन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा चौरसिया और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम प्रथा की आड़ में बुजुर्गों की हत्या। भारत को परंपराओं और संस्कृतियों का देश कहा जाता है, लेकिन ये परंपराएं कभी कभी हैरान कर देती हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारत में ही होता है, दुनिया के कई देशों में ऐसी परंपराएं हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं हमारे भारत की, जहां आज भी बहुत सी ऐसी कुप्रथाएँ हैं जो आपने कभी सुना नहीं होगा। आज हम आपको एक ऐसी ही परंपरा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ढलाई कूठल एक ऐसी कुप्रथा है जो तमिलनाडु में कितने ही समय से चली आ रही है, जिसके बारे में सुनकर लोगों को विश्वास नहीं होता, और हो भी तो कैसे, ये है ही इतनी भयानक। ढलाई कूठल एक ऐसी परंपरा है जिसकी वजह से घर के ही लोग बुजुर्गों को अपने हाथों से मार देते हैं, और तो और इस दौरान गांव के लोग भी मौजूद रहते हैं। इसे वो लोग उत्सव की तरह मनाते हैं। हैरानी की बात ये है कि बैन के बावजूद भी तमिलनाडु में ये परंपरा निभाई जाती है। इतना ही नहीं, बुजुर्गों की हत्या कर देने वाली इस परंपरा को समाज की नजर में विदाई देने का एक सम्मानजनक तरीका माना जाता है। इस कुप्रथा के चलते जो परिवार बुजुर्गों की सेवा नहीं कर पाता, वो इस परंपरा के नाम पर उनकी हत्या कर देता है। अब इसे परंपरा कहेंगे या कुछ और, कभी कभी तो बुजुर्ग ऐसा करने के लिए खुद उनको कहते हैं। हालांकि जब ये परंपरा निभाई जाती है तो ध्यान में रखा जाता है कि पुलिस को इस बात की भनक भी न लगे, क्योंकि ये कानूनन अपराध है। जब बुजुर्ग किसी काम के नहीं रहते, घर वालों को लगे कि अब ये सिर्फ हम पर बोझ बनकर रह गए हैं, या फिर किसी बुजुर्ग को कोई लाइलाज बीमारी हो जाए और गरीबी की वजह से किसी बुजुर्ग का इलाज न करवाया जा सके, और बुजुर्ग की सेवा करने का समय किसी के पास न हो, जब बुजुर्ग परिवार को बोझ लगने लगे, तो इस परंपरा के नाम पर इनकी हत्या कर दी जाती है। इन बुजुर्गों को मारने के तरीके भी बड़े ही खतरनाक होते हैं, जिन्हें सोचने मात्र से ही हमारी आत्मा कांप जाती है। लेकिन तमिलनाडु में परंपरा के नाम पर अपने ही अपनों को बड़ी ही बेरहमी से मार दिया जाता है। कौन कौन से हैं वो तरीके, आइए जानते हैं। बुजुर्ग को मिट्टी मिला हुआ पानी पिलाया जाता है, जिससे उसका पेट खराब हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ये सबसे दर्दनाक तरीका माना जाता है। नंबर दो, सुबह सुबह इनको तेल से नहलाने के बाद पूरे दिन कई ग्लास नारियल पानी पिलाया जाता है, जिससे गुर्दे खराब हो जाते हैं। ऐसे में बुजुर्ग की दो दिन के अंदर ही मौत हो जाती है। नंबर तीन, तीसरे तरीके में बुजुर्ग को ठंडे पानी से नहलाया जाता है ताकि उन्हें हार्ट अटैक आ जाए और वो मर जाए। नंबर चार, कभी कभी तो नाक बंद करके दूध पिलाया जाता है, जिससे उनकी सांस तुरंत रुक जाती है और उनकी मौत हो जाती है। माँ बाप बड़े ही किस्मत वालों को मिलते हैं, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, ना कि इन कुप्रथाओं के नाम पर उनकी हत्या करनी चाहिए। इसी के साथ मैं पूजा चौरसिया आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए एवन न्यूज़। नमस्कार।